सी आर सिंधु तो आप देख रहे हैं इजी टेक्स्ट सॉल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था पीजीबीपी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कौन कौन सी इनकम हमारी टैक्सेबल होगी। कि अगर हमारी कोई इनकम बिजनेस से होती है, हमारी इनकम कोई प्रोफेशन से होती है, हमें कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला किसी तरह का, या मैंने अपना इम्पोर्ट लाइसेंस सेल किया उसमें मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ, अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं उससे मुझे सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी तरह का कमीशन मिल रहा है, किसी तरह का रेमुनेशन मिल रहा है, तो वो भी मेरी पीजीबीपी हेड के अंडर कवर होगी। फिर मैंने स्टार्ट किया था कि हमें सबसे पहले पीजीबीपी हेड के अंडर ये देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी, मतलब मेरे को प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी तो मेरी पीजीपी हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे डाले हैं उसमें से कौन सा अलाउड होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे नंबर वन पे हमने स्टार्ट किया था कि अगर मैंने किसी कोई बिल्डिंग ली, उसका मैंने किराया पे किया, रेंट पे किया, इंश्योरेंस करवाया, कोई रिपेयर करवाई, तो वो मुझे एज एन एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर करवाई है, कोई इंश्योरेंस करवाया है, तो वो भी मुझे एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाना चाहिए। फिर स्टार्ट किया था हमने डेप्रिसिएशन, जो मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन को कवर करता है सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन का मींस क्या है, प्लस वन में हमने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी, कि कोई एसेट्स जैसे जैसे हम उसका यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जमीन की वैल्यू की बात नहीं कर रहा। ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम टू टाइम उसमें कहीं पानी की सीलन स्टार्ट हो जाएगी कि पानी रिसने लग गया, ठीक है, कहीं से कुछ हल्का फुल्का पोर्शन टूट गया। इसी तरह कोई फर्नीचर लेते हो, 10 साल 15 साल 20 साल वैल्यू रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती, धीरे धीरे उसमें दिमक लग जाती है या टाइम टू टाइम उसमें पानी की वजह से सीलन आने की वजह से उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है। मान लीजिए हम एक कुर्सी लेते हैं, शुरू शुरू में बिल्कुल सही प्लास्टिक होता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो 5 साल में 6 साल में टूट जाती है, ठीक है। इसी तरह कोई भी फिक्स एसेट्स है तो उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती जाती है। टाइम की वजह से जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन में कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए आप कह दीजिए कि भाई मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उस टाइम पे सीमेंट के रेट थे 100 रुपए पर बैग, आज के टाइम में सीमेंट का रेट है पर बैग 400 रुपीज, उसकी वजह से वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ये चीज नहीं कंसिडर की जाएगी। कि टाइम टू टाइम उस अगर वही कॉन्स्टेंट रेट माना जाए तो टाइम से टाइम स्पेंड होने से उस एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन मान लीजिए जमीन उस टाइम भी कॉन्स्टेंट वैल्यू मानी जाएगी, आज भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइस तो सेम माना जाना चाहिए, क्या टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कुछ कम होनी चाहिए, क्योंकि कोई वियर एंड टियर तो है नहीं, वो तो जमीन तो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसी वजह से कई बार कई क्लासेज में तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हर फिक्स एसेट्स पे, केवल और केवल किसको छोड़ के, लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग पे कैलकुलेट होएगा। डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या हुआ, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो हमारा डेप्रिसिएशन माना जाता है। डेप्रिसिएशन अलाउड किसे होता है, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है केवल और केवल जो उस एसेट्स का ओनर है। अब मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, मैंने वो फैक्ट्री की बिल्डिंग किराए पे ली हुई है 10 लाख रुपए, अगर मैं उस बिल्डिंग की वैल्यू मान लू 10 लाख रुपए है आज की डेट में, लेकिन मैं उसका रेंट दे दू 10,000 रुपए पर मंथ। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर मैं बिल्डिंग का रेंट देता हूं तो वो मुझे एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड है, लेकिन अब वो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, जब मैं रेंट के एक्सपेंस एज एन अलाउड ले चुका हूं, क्या मैं डेप्रिसिएशन ले सकता हूं उस बिल्डिंग का, जब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी कोई, तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, नहीं। तो डेप्रिसिएशन किसको अलाउड होएगा, जो उस एसेट्स का ओनर है केवल उसे अलाउड होएगा, ना कि अगर टेनेंट को भी।
अच्छा एक चीज और समझाइए मुझे, मैंने एक फैक्ट्री ले ली, उस फैक्ट्री के अंदर काफी स्पेस खाली पड़ा है, मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए एक टी स्टॉल बनवानी है, तो एक दुकान सी बना दी मैंने उसके अंदर। वो टी स्टॉल जो बनी है अब वो तो मेरे पैसों से बनी है, मैंने उस पर खर्चा किया, क्या मुझे उस टी स्टॉल पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जब मैंने उस टी स्टॉल बनाने में 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो वो मेरी किस हेड के अंडर कवर हो जाती है? बिल्डिंग में कवर हो जाती है, डीम्ड ओनर माना जाता हूं मैं उस टी स्टॉल का, उस पर मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन जो कंप्यूट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है? इनकम टैक्स ने फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई कर रखा है कुछ हेड के अंडर, उसमें डेप्रिसिएशन की रेट भी इन्होंने बता रखी है। जैसे बिल्डिंग पे इन्होंने कह रखा है कि डेप्रिसिएशन की जो रेट रहेगी वो रहेगी 10%। मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की वैल्यू है तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? 10%। एक और बता रखा है इन्होंने कि अगर मान लीजिए मैं सीए हूं, मैंने क्या किया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मेरी, मैंने उसका ग्राउंड फ्लोर तो अपने ऑफिस के लिए यूज कर रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे मैं खुद रेजिडेंस, तो इस केस में डेप्रिसिएशन। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको 5% डेप्रिसिएशन अलाउ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10%, ये आपको रेट याद करनी पड़ेगी, ये आप अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते। बिल्डिंग पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बताया इन्होंने? 10%। फर्नीचर और फिटिंग्स पे 10%। अच्छा एक बात बताइए, मैंने फैक्ट्री या मैंने एक ऑफिस ले लिया रेंट पे, उसके अंदर मैंने पार्टीशन बनवा लिया, पार्टीशन करवा लिए और फॉल सीलिंग बनवाई है, तो वो मेरी किस में कवर होगी? फर्नीचर एंड फिटिंग में। बेशक मैंने वो ऑफिस रेंट पे ले रखा था लेकिन जो पार्टीशन बनवाया फॉल सीलिंग करवाई उस पे मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो मेरी किसके हैंड पे अंडर कवर होगी? फर्नीचर एंड फिटिंग पे। और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। प्लांट एंड मशीनरी 15%। प्लांट एंड मशीनरी अपने आप में एक वाइड वर्ड है इनकम टैक्स के लिए। अगर मैं बोलूँ ना मेन कि अगर बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए, फर्नीचर एंड फिटिंग को देख छोड़ दिया जाए और थोड़ी बहुत एसेट्स और हैं उन सबको छोड़ दिया जाए तो प्लांट एंड मशीनरी के अंडर ही कवर होता है, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। मेरे मोटर व्हीकल, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा ट्रक जो कि यूज होता है गुड्स कैरी करने के लिए, मेरी फैक्ट्री के लिए जो मेरे फैक्ट्री का गुड्स कैरी करते हैं, तो उन पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? 15%। अच्छा एक और चीज है कि अगर मैंने एक मोटर व्हीकल ले लिया और वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द कैरिंग ऑफ द गुड्स, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, दूसरों का सामान ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उन्हें डेप्रिसिएशन कितना अलाउड है? 30%। हमें कितना अलाउड है? अगर मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ तो 15%, लेकिन अगर मैं गुड्स कैरी करने के लिए यूज कर रहा हूँ दूसरे बंदों में तो मुझे कितना अलाउड है? 30%। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन इन्होंने बताया 40%। सोलर सिस्टम आजकल काफी जंगल लग रहे हैं, कितना डेप्रिसिएशन बताया? 40%। मतलब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो ब्लॉक वाइज किया जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा भी अपने नेक्स्ट सेशन में कि डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन अलाउड होएगा अगर मैं वो एसेट्स यूज कर रहा हूं किस लिए? बिजनेस पर्पज के लिए। एक कार ली मैंने, वो मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर ही नहीं रहा, अपने पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा हूं, तो क्या मेरे को उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? नहीं।
अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए कोई एसेट्स यूज कर रहे तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझा देता हूँ कि कोई मान लीजिए ऐसे एसेट्स हैं कि जो मैं बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहा हूँ और पर्सनल पर्पज के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल लिया ऑफिस टाइमिंग में तो जाके मैं ऑफिस के लिए फोन कर रहा हूँ, उस पर घर पे जाके मैं उससे पर्सनल बातें कर रहा हूँ, तो उस पर चाहूं तो मैं डेप्रिसिएशन इस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि मैं 75% तो ऑफिस पर्पज के लिए यूज करता हूँ, 25% पर्सनल पर्पज के लिए, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना अलाउड हो जाएगा 75%। इसी तरह अगर कोई कार है मैं पर्सनल पर्पज के लिए और बिजनेस पर्पज के लिए दोनों यूज करता हूँ तो मुझे प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने आपको अभी समझाई है कि बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, कंप्यूटर पे 40%, सोलर सिस्टम पे 40%। मेन पॉइंट है एक और, डेप्रिसिएशन अलाउड होएगा जब वो एसेट्स पुट टू यूज हो जाएगी, यूज में आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक मशीनरी ली 1 फरवरी 2019 को, लेकिन मैंने उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करी 1 मई 2019 में, तो मुझे डेप्रिसिएशन तब से नहीं मिलेगा जब से मैंने वो परचेज कर ली। कब? 1 फरवरी 2019 से 31/3/19, इन 2 महीनों का नहीं मिलेगा। अप्रैल 2019 का नहीं मिलना चाहिए। मैंने कब से स्टार्ट करी है? 1 मई 2019 से वो एसेट्स यूज करनी स्टार्ट करी है, तो डेप्रिसिएशन में मुझे तभी से अलाउड होगा। डेट ऑफ द परचेज नहीं देखी जाएगी, डेट ऑफ यूज देखी जाएगी कि वो एसेट्स यूज में कब लाई गई, डेप्रिसिएशन तभी से कैलकुलेट।